और ये देखिए दोस्तों, इतना सारा माही बिटिया का खिलौना, और आज माही बिटिया दोस्तों हृदय से काफी खुशी है। और देखिए चेंडू पकड़ी है, और इतना सारा AKDB और साइकिल गाड़ी, ये क्रिकेट का स्टंप यार्ड सभी चीज। ये देखिए दोस्तों, माही बिटिया का साइकिल का म्यूजिक, और माही बिटिया चालू करने के बाद देखिए डांस करेगी अभी, और चालू कर रही है। हाँ, इसी तरह दोस्तों सुबह से खेल रही है, बंद होती है फिर चालू करती है, फिर डांस करती है। ये देखिए काफी खुश है दोस्तों माही बिटिया, और पहले तो अकेले में नहीं खेल रही थी, तो उसके मम्मी के साथ आगे पीछे होती थी, तो अभी माही बिटिया को खिलाने की जरूरत नहीं है, इसी खिलौना से दोस्तों साइकिल से वो दबा दबा के म्यूजिक के साथ नाचते हुए खेल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का और एक नया वीडियो में। और अभी दोस्तों सुबह का 11 बज रहा है हमारे ओर से प्यार भरा गुड गुड मॉर्निंग। और आज दोस्तों हम काफ़ी हृदय से पूरा परिवार बहुत खुश हैं, और ये मॉर्निंग। खुशी के पीछे का राज दोस्तों हम आप लोगों के साथ आज हम साझा कर रहे हैं। दोस्तों हमें तो बहुत पहले ही उपहार मिला था माहे बिटिया को, कुछ टॉय दोस्तों गिफ्ट को लेकर, तो हमें ये रेशमा जी का मायके तरफ गए, फिर समय नहीं था, और हम सोचे भी एक पल के लिए कि हम रेशमा जी के मायके तरफ से ही माही बिटिया के लिए कुछ उपहार हम खरीद देंगे जो हमें दिए हैं वो, तो दोस्तों उधर से लाना ही तो बहुत मुश्किल लंबा पड़ जाता है, तो हम सोचे वापस घर जाएंगे उसके बाद ही हम माही बिटिया के लिए खरीद देंगे बोल के। और सबसे दिक्कत तो यही था दोस्तों कि हमारा घर तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन प्लास्टर दोस्तों ऊपर तो चलेगा लेकिन नीचे में दोस्तों हम ढलाई नहीं किए थे, और कहीं ना कहीं दोस्तों हम माही बिटिया के लिए कुछ टॉय खरीद देंगे, खिलौना खरीद देंगे खेलने का। और जैसे कि दोस्तों हम हैं यहाँ एकांत स्थान में है, चारों बगल दोस्तों पूरा हरियाली, जंगल पेड़ पौधा से पूरा घिरा हुआ है, तो माही बिटिया दोस्तों एकांत हो जाती है, अकेला हो जाती है, और खेलना कूदना संग सहेली साथी से काफ़ी दूर है, जाती है आंगनबाड़ी, तो उस समय दोस्तों कुछ क्षण के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों से वो संगति लगती है। और यहाँ पास खेलने के लिए ऐसा कुछ सामान नहीं है, जब भी हम रेशमा जी के साथ घर का हो गया या बाहर का कुछ काम करते हैं उस समय माही बिटिया दोस्तों वो धूल को, रेत को, कंकड़ को, पत्थर को, ईंट को, सामने में जो भी आए दोस्तों उसे वो अपना खिलौना बना लेती है, उससे खेलती है, कभी कभी तो रेत को भी खा देती है, धूल को खाती है, वो दीमक वाला मिट्टी को खाती है, तो काफ़ी माही बिटिया तो दोस्तों बचपन से ही लेकर ये सभी में ना परिस्थिति में गुजर रही है। तो सभी को दोस्तों देखते हुए आज हमें अमेरिका से दोस्तों माही बिटिया के लिए स्पेशल खिलौना यानी कि टॉय, कुछ चलाना खेलना चंडू गेंद ये सब हो गया, खेलने के लिए माही बिटिया के लिए सामान खरीद दीजिएगा बोल के हमें कुछ आर्थिक सहयोग दिए हैं, तो उसी पैसा से दोस्तों आज माही बिटिया के लिए हम कहे तो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं स्पेशल खिलौना का। और सबसे दोस्तों हम पहले भी कई ब्लॉग में हम ये जिक्र किए हैं कि हमारे पास दोस्तों ये आउट एरिया हो जाता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों वो सभी सुविधाओं से हम काफ़ी दूर हो जाते हैं, बस हो गया, कुछ बड़ा सामान खरीदना हो गया, तो ये दोस्तों यहाँ नज़दीक पास मिलता ही नहीं है, तो अभी हम दोस्तों जा रहे हैं ख़रीदने के लिए, यहाँ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूरी पर है वो जो दोस्तों गांव बसा है चौकी यानी कि ये छत्तीसगढ़ है, वही अभी हम यहाँ से जाएंगे। और माही बिटिया तो दोस्तों सो गई है, और हम सभी दोस्तों बता दें भोजन उजन कर लिए हैं, जो भी घर का काम था छोटा मोटा उस सभी काम को हम पूरा सरिया लिए हैं, सबको कर लिए हैं, उसके बाद तैयार होने के बाद ही हम ब्लॉग शुरू किए हैं ना जी। और अभी दोस्तों जो भी हमारे ये आंगन में सामान था, फावड़ा घमेला, वो सभी जो दोस्तों हम अभी नहीं रहेंगे ना, आने में दोस्तों रात भी हो सकता है, तो वो सभी को हम अंदर डाल दिए और अभी यहाँ से निकल रही है, और हम दोस्तों ज़रूर बताएंगे, अभी हम तो चलते हैं और जा रहे हैं, पता नहीं माँ बेटा के लिए वो खिलौना मिलेगा या नहीं मिलेगा, साइकिल खरीदने के समय भी ऐसे हुआ 3-4 बार तो हम साइकिल ही खरीदने गए मिला ही नहीं, तो दोस्तों जो हमें ये उपहार दिए हैं वो कौन है कहाँ से है वो तो हम बता दिए हैं, लेकिन
आज दोस्त इस वीडियो हम शेयर करेंगे पूरा उनका फैमिली फोटो। आज आप लोग देखिएगा दोस्तों उन लोग कौन है जितना बड़ा हृदय रखते हैं प्यार स्नेहा से माँ बेटा के लिए, जो माँ का ममता दिखाए हैं, इसके केयर किए हैं, जो धूल कंकड़ को खेलते हैं तो खरीद दीजिएगा बोले हैं। तो एक बार आज माँ बेटा को दिखाते हैं दोस्तों, आज जो ड्रेस पहनी है ये ड्रेस भी दोस्तों पूरा परिवार जो पहने हैं ये भी कहीं ना कहीं दोस्त उन्हीं का देन है, उन्हीं लोग दिए थे। और ये सभी को हम शेयर नहीं किए थे दोस्तों, क्योंकि ये सभी कपड़ों को हम खरीदे थे रेशमा जी के मायके तरफ। तो ये देखिए अभी हम सामने वीडियो में लगा दे रहे हैं। माही बिटिया दोस्तों आज देखिए काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, और उसके माथे में ये देखिए हम फूल लगा दिए हैं। और आप लोगों का काफ़ी कमेंट जैसे कि दोस्तों आया है कि रेशमा जी इस तरह से पोशाक में यानी कि ड्रेस में काफ़ी सुंदर दिखती है बोल के, तो हम हृदय से आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों अधिकतर गांव देहात में ये साड़ी से ही ज़्यादा रहती है, तो हाँ। वो मायके तरफ गई थी तो उधर ही पहन के आई फर्स्ट टाइम ये जो पहनी है रेड कलर का। हाँ। जहाँ भी दोस्तों गांव देहात आउट एरिया हो गया वहाँ का सांस्कृतिक और कल्चर जो रहता है ना वो कुछ दोस्तों हट के अलग लेवल का रहता है। हमें तो अजीब लगता है कभी कभी दोस्तों ये जो ड्रेस पहनने में भी दोस्तों काफ़ी पाबंदी है। जैसे आप लोगों को दोस्तों नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हमारे इधर दोस्तों जब भी किसी का शादी हो जाता है, शादी होने के बाद इस तरह से पोशाक जब लगाते हैं पहनते हैं ना, तो गाँव में दोस्तों वो एक चर्चित बात बन जाता है। तो दोस्तों रेशमा जब ये जो पहनी है इसे गाँव तरफ भी अधिक अगर पहन के जाएगी घुसेगी निकलेगी घूमेगी ना, तो गाँव के जो है दोस्तों बुजुर्ग जो महिलाएं लोग हैं ना उन लोग अजीब सा बात करने लगेगी, शादी हो गया और ये पहनना। तो इसके लिए भी दोस्तों रेशमा जी ना उस तरह से ये नहीं पहनती थी, लेकिन काम के समय में दोस्तों ये अच्छा लगता, और कभी दोस्तों सफर में इस तरह से ड्रेस अच्छा लगता है, संभालने के लिए आसान होता है। ये रेशमा जी हमें बताती है। और मैं बता दूं दोस्तों सबसे बड़ी बात तो मैं संदीप जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके जैसे भी पहनावा ओढ़ावा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोग बात करते तो करने दीजिए जी जी। ऐसे बोलते हैं। संदीप जी की तरफ से मुझे कोई पाबंदी नहीं है इस आउट एरिया में भी रह के, सबसे सबसे ज्यादा तो मैटर करता है दोस्तों पति पत्नी में हस्बैंड की अलाउ दे कि आप इसे पहन सकते हैं जी जी। तो ऐसे में संदीप जी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है फ्री। और संदीप जी ने ही कहा था कि आप एक दो सूट ले लो, तो मैं और भी एक पकड़ रही थी लेकिन उसे मुझे पसंद नहीं आया, ये एक ही ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा तो लेके आ गई जी जी। और ये जो हमें दोस्तों कपड़ा जब भी हम पहने हैं तो वो अंकल और आंटी जी के लिए भी दोस्तों हम हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हम बयां नहीं कर सकते हैं दोस्तों, हमारे लब से जो जुबा से जो निकल रहे शब्द दोस्तों वो कम पड़ जाएगा, हम सपने भी कभी कल्पना ऐसे नहीं किए थे। और इससे पहले आप देखे होंगे दोस्तों हम वही ड्रेस को इसी ड्रेस को हम पहना करते थे। हाँ। और इतना ज़्यादा ड्रेस का हम शॉपिंग किए हैं और ब्याग वो सभी दोस्तों, तो वो भी हम ज़रूर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो एक एक को दिखाएंगे। माहे बिटिया का तो 10 से 12 जोड़ी ही पूरा कपड़ा खरीदे हैं। हाँ। और मेरे लिए दोस्तों और रेशमा जी के लिए बहुत ज़्यादा ना जी। उस ब्लॉग को भी हम आप लोगों के साथ अच्छी तरह से शेयर करेंगे जी जी। माहे बिटिया के लिए हम इतना सारा कपड़ा इसीलिए खरीदे दोस्तों क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा मिला ना जी। जी हाँ हाँ हाँ। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद से ही दोस्तों हमें प्राप्त हुआ है, तो ये सभी में दोस्तों हम समझेंगे ये आप लोगों का कहीं ना कहीं दोस्तों अनुग्रह ही है, आशीर्वाद ही है। तो आप सभी को भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आज हम दिखाते हैं, हम अभी बैठे हैं जो बरामदा में हॉल में, ये पीछे साइड दोस्तों आज ढेर रात तक हम इसे प्लास्टर किए, प्लास्टर यानी कि ढाले हैं नीचे में,
और ये कम्प्लीट हुआ तो ही हम जा रहे हैं माही बिटिया का खिलौना खरीदने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ खेलने के लिए भी ना माही बिटिया के लिए अच्छा सा जगह नहीं था साफ सुथरा, तो हम दिखाते हैं। अरे सामने देखिए दोस्तों, ये कंकड़ पत्थर रेत है, तो इससे में दोस्तों माही बिटिया के लिए खेलना ना उतना अच्छा नहीं था। और इस साइड अभी देखिए दोस्तों, पूरा हम इसमें अभी हम पानी भी डाल दिए हैं, तो इसमें पानी भी है, और इसको ढालने के बाद दोस्तों कंक्रीट गिट्टी किए हैं, और उसके बाद में ऊपर में हम घोल भी चढ़ा दिए हैं। और ये घोल को भी चढ़ाना दोस्तों इसके ऊपर में ये हमारा आइडिया नहीं है। रात में दोस्तों इसे हम प्लास्टर यानी कि ढलाई कर रहे थे, उस समय दोस्तों कॉल आया था हमें, और उन्हीं अंकल और आंटी जी इन लोग दोस्तों हमें बताएं कि ये जब आप लोग घोल नहीं डालोगे तो ऊपर से जो भी रेत है ना वो निकल जाएगा, तो बेहतर अच्छा रहेगा अभी जब आप ढलाई कर रहे तो इसी के ऊपर में थोड़ा सा सीमेंट का घोल पानी बनाकर ऊपर में ढाल दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, देखने में भी दोस्तों काफी खूबसूरत दिख रहा है, और फिनिशिंग भी हो गया, और अच्छा सा अभी लग रहा है ना जी घर टाइप का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बहुत टाइम भी हो गया, अभी हम निकलते हैं डायरेक्ट माही बिटिया के वही साइकिल दुकान में, और वही पास दोस्तों हम देखते हैं कौन सा अच्छा रहेगा माही बिटिया के लिए, उसी को हम खरीदते हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों उसी बात को हम कितना बताएं, उस जाने आने का ये सुविधा वो सुविधा, उस तो कई वीडियो हम बता दिए हैं, अभी हम डायरेक्ट निकलते हैं। तो चलिए जी, और ये दरवाजे के लिए भी दोस्तों आज हम प्राइमर लाएंगे। ये क्या है, इसमें सब जंग बैठ गया है, और प्राइमर हम मार देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लोहा का प्रोटेक्शन हो जाएगा, और इस तरह से जंग से बचा होगा, तो आज हम लेकर आएंगे। और साथ ही दोस्तों हम वो साफ करने वाला लोहा साफ करने वाला ब्रश भी साथ लेके आएंगे, है ना जी? जी, इसमें घस के उसको लगाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, इतना अच्छा अच्छा दरवाजा पूरा, कहीं ना कहीं ये जंग खाएगा तो छेद हो जाएगा। हाँ। और इस साइड हम लगा दिए ना, अंदर से बंद है। और गाइस हम साथ में ऐसे प्लास्टर और दो रूम को कर चुके हैं, टोटल तीन रूम हो चुका है, और तीन रूम बाकी रह गया है, और उसे भी हम करेंगे, और ये खिलौना लेके आएंगे। तो दोस्तों माही बिटिया जितना भी प्लास्टर हुआ है इस रूम में खेलेगी, और फिर हम अच्छे से काम कर लेंगे, है ना जी? हाँ। अभी हम घर से निकल गए हैं, सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए चौकी, और यहाँ जैसे दोस्तों हम पहुंचे वैसे ये छोटू का गाड़ी दोस्तों यहाँ बंद हो गया, और अभी हम रिपेयरिंग करने के लिए दिए, और पता नहीं दोस्तों अभी वो कितने टाइम लगेगा रिपेयरिंग में। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों माही बिटिया का शॉपिंग करने के लिए, और इस साइड माही बिटिया लोग बैठे हैं और पानी पी रही है माही। चलिए फाइनली दोस्तों हम माही बिटिया का खिलौना दुकान के पास पहुँच ही गए हैं। और ये देखिए दोस्तों हम पहुंच गए, ये है खिलौना का दुकान, और माही बिटिया लोग अभी चढ़ रही हैं। चलिए पूछिए। ऊपर वो डोगी ओगी है तो सब ये गुड़िया के लिए खिलौना चाहिए। चलिए चलिए इधर इधर इधर। तो अभी दोस्तों हम ऊपर चढ़ रहे हैं, और माही बिटिया का खिलौना ऊपर मिलेगा, और माही बिटिया चढ़ रही है अभी। चढ़िए चढ़िए, बस हो गया हो गया, थक जाइए। गुड़िया के लिए हमको खिलौना चाहिए। हाँ सेट से दिखाइए पूरा, वो किचन वाला भी रहता है ना बच्चों को, वो वाला भी दिखाइए। और इस साइड देखिए दोस्तों काफी मस्त सुंदर सुंदर छोटा छोटा वो देखिए बेबी वाला डोली है। हाँ। और ये देखिए दोस्तों काफी सुंदर सुंदर खिलौना,
और ये गैस है, और ये कटोरी, और ये लहसुन प्याज छीलने वाला। हाँ देखिए माही, और देखिए पीछे तरफ आप नहीं देख रहे हो। और ये देखिए, और ये सबसे बड़ा है, और माही भी तो देखती रह गई। कौन सा लेंगे? ये कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। कौन वाला? इसको। हाँ उसको पसंद कर रही है। हाँ। इसी को पकड़ेंगे। ठीक है ठीक है। और माही बिटिया के लिए गाइस हम ये वाला खिलौना को रखेंगे। और माही बिटिया के लिए दोस्तों ये इस तरह से गेंद पकड़ देंगे, ये खेलेगी। हाँ 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 रहने जी, किसको पकड़ेगी? ये वाला। हाँ अच्छा, ये बजने वाला है ना? जी हाँ हाँ हाँ। एक इसको पकड़ दीजिए, एक इसमें से निकाल दीजिए दीदी। और ये क्या है? तो उसे नहीं पकड़ेंगे, उसे नहीं जानेगी खेलने के लिए। नहीं जानेगी? हाँ, उसे हाथ डाल के लाना पड़ेगा, ऐसे खड़े करके से ही लाना पड़ेगा। ये चलेगा उस समय ऐसा होगा। हाँ। और इस साइड दोस्तों देखिए पूरा टेडी बियर ही पूरा भरा हुआ है। माही बिटिया वो डोगी को देखिए और चिल्ला रही है। कौन सा पकड़ेगी माही? कौन सा पकड़ेगी? और यहाँ पास दोस्तों इतना पर्याप्त जो है ना और नहीं है। हम जो सोचे थे वैसा बड़ा स्टोर होगा बोल के, इनमें से दोस्तों हम एक पकड़ देंगे माही बिटिया के लिए डोगी। हाँ, पकड़ो, कौन सा? पकड़ो पकड़ो, ये तो नहीं दे देना। दे दे, पकड़ो। और माही बिटिया दोस्तों डर रही है, हकीकत में ये डोगी है बोल के। ये दे, पकड़ो, ये छोटा वाला को लेंगे, पकड़ के घुमाएगी। हाँ जी जी जी, दे दे माही बिटिया के लिए, दे दे, पकड़ो, लीजिए पकड़िए। पकड़ो, ये कुछ नहीं करता इसे। माही बिटिया कुछ नहीं गई, तुतु बोल रही है। क्या है? तुतु। आई इसको भी मेरे लिए दे। हाँ दिखा दो पापा को, दिखा दो। हाँ रोज इसको खाना खिलाना ना। अब खिलाना शुरू कर दिए। तो चलिए लाइए। हाँ दोस्तों डोगी भी खरीद लिए हैं, चंडो भी खरीद लिए हैं, और इस साइड पूरा घड़ी रखा हुआ है, और ये गिफ्ट वाला सामान है, और ये भी काफी सुंदर है दोस्तों। देखिए माई ने इसे फेंक दी दोस्तों। दे दीजिए, दे दीजिए, गोदी कीजिए, इसको दो। हाँ पकड़ो, खुश हो गई। उधर उधर देखा। हाँ प्यार कर दे, पप्पी कर दे, अच्छा से प्यार करो, प्यार कर दो। ये देखिए, और इसे भी हम पकड़ेंगे। और अभी दोस्तों जो भैया दिखाए हैं देखिए, ये केसियो वाला, और इसे माही बेटा के लिए कैसा रहेगा? तो दिखा दीजिए माही बेटा को। आइए आइए बेटा। हाँ ये दे। अब माही बिटिया दबा रही, ये कितने का है भैया? हम एक बार पूछ लेते हैं तो। हाँ पसंद आया माही? लेंगे लेंगे। और अभी दोस्तों हम फाइनली माही बिटिया के लिए देखिए इतना सारा जो सामान खिलौना का हम छाट लिए हैं, और ये बड़ा वाला ये पुतला, और इधर दोस्तों चंडू है, और पीछे साइड और ये सभी। और अभी दोस्तों माही बिटिया के लिए ये देखिए ये वाला गाड़ी खरीद दे रहे हैं, और ये रिमोट वाला नहीं है, सादा वाला है। तो ये क्या है, ज्यादा दिन तक जाएगा माही के लिए, वो वायर वायर टूट जाएगा और रिमोट वाला में। और इधर ये माही ठीक है। और गाइस फाइनली माही बिटिया का पूरा सामान पैक हो गया है, चलिए इतना सारा है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब को पकड़ूंगी बोल रही है। हाँ हाँ चलिए क्रिकेट अब मैदान में, चलिए। हाँ चल उतरिए, धीरे से आओ धीरे से। और अभी हम चलते हैं साइकिल स्टोर में दोस्तों, और माही बेटा के लिए छोटा वाला साइकिल खरीद देंगे। और हाँ। खिलौना तो दोस्तों आधा को हम नहीं दिखाए हैं, हम पहुंचने के बाद दिखाएंगे। हाँ। और ये देखिए दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पास साइकिल लेना है बेबी के लिए। हाँ इसके लिए साइकिल दिखाइए भैया। नहीं इस टाइप का मैं अच्छे में दिखाई, सबसे अच्छे में। और ये देखिए मस्त छोटा सा साइकिल, दिखाइए माही बिटिया को, थोड़ा अच्छा दिखाइए। माही चलाइए तो साइकिल को, चलाइए।
पैर नहीं पहुंच रहा है इसमें ना, वो पीछे वाला को देखिए। चलो डुकु डुकु चलो ऐसे ऐसे पैर को करो। हाँ माही दीदी आप देखिए बाइक चला रही है। उसको लाइए जी, इसको चलाना पड़ेगा हमको, बढ़ेगी तेज में चलेगी। ये वाला दोस्तों ये काफी बड़ा है, ये ठीक है फ्यूचर में हमें माही बेटा के लिए कभी भी काम आएगा। अभी हम माही की बिटिया के लिए इसे लेंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा लेकिन आगे काम आएगा दोस्तों, पर इसे हमें हमेशा माही बिटिया को बिठा के घुमाना पड़ेगा। और अंदर साइड मस्त छोटा छोटा साइकिल है और इसे हम भैया जी को निकालने के लिए कहेंगे। हाँ ये वाला, वो वाला और वो वाला देखिए उसको पकड़ के ढकलने वाला है। हाँ हाँ ऐसे भी चला सकते है जी। हाँ और माही बेटे के लिए दोस्तों फाइनली हम साइकिल पसंद कर लिए और माही जो चला रही है यही है। चलो और इसके साइड हैंडल भी है, उसे घर ले जाके हम फिट कर देंगे। आप ही खेल इसे म्यूजिक सिस्टम है दोस्तों, डांस कर रही है माही। हाँ इसे चालू करके डांस करती है। और अभी दोस्तों रात के 10 बज गया और अभी हम घर पहुंच गए हैं और बारिश के चलते दोस्त पूरा रास्ते में दोस्तों बारिश ही बारिश और हम बीच बीच में रुकते हुए आ रहे हैं और घर पहुंचते दोस्तों काफी रात हो गया और माही बिटिया लोग घर के अंदर घुस गए हैं। हम सामान को अंदर रखते हैं, पूरा सामान भी भीग गया है लेकिन ये प्लास्टिक वाला है तो दोस्तों अंदर नहीं भीगा होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कल हमें आने में काफी रात हुआ और आज सुबह ही माही बिटिया उठ के दोस्तों काफी खुशी नजर दिख रही है देखिए। और जितना माही बिटिया का खिलौना है वो सभी को एक एक निकाल के पूरा खेलना शुरू कर दिया है। और ये जो साइकिल दोस्तों सुबह से उठकर इसी को चला रही है। ये देखिए दोस्तों माही बिटिया का साइकिल का म्यूजिक और माही बिटिया चालू करने के बाद देखिए डांस करेगी अभी और चालू कर रही है। हाँ इसी तरह दोस्तों सुबह से खेल रही है, बंद होती है फिर चालू करती है फिर डांस करती है। ये देखिए काफी खुश है दोस्तों माही बिटिया। और पहले तो अकेले में नहीं खेल रही थी तो उसके मम्मी के साथ आगे पीछे होती थी, तो अभी माही बिटिया को खिलाने की जरूरत नहीं है, इसी खिलौना से दोस्तों साइकिल से वो दबा दबा के म्यूजिक के साथ नाचते हुए खेल रही है। और सुबह दोस्तों रेशमा जी खाना सब्जी पकाने के लिए देखिए बर्तन वाड़ा को सब धो ली है। नमस्कार दोस्तों आप सभी को और प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। और ये देखिए भिंडी और आलू को काट ली है और पानी से अच्छे से धो ली। हाँ। माही बिटिया बहुत डांस कर रही है जी, वो देखिए ऊपर में ही कर रही है। माही बिटिया दोस्तों काफी खुश है, हम बता ही नहीं सकते इतना खुश है और साइकिल उसका खिलौना को छोड़ ही नहीं रही है। और फाइनली देखिए दोस्तों माही बिटिया का जितना सामान था सभी सामान को हम अभी निकाल के हम सामने रखे हैं। हाँ। और माही बिटिया ठीक साइकिल के ऊपर वो डोगी को पिल्लू को पकड़ के बैठी है। हाँ। और ये देखिए इसे हम माही बिटिया के लिए दोस्तों खाली टाइम ये क्रिकेट है और इसका चेंडू है और स्टाम्प ये क्रिकेट का है। और ये तो दोस्तों हम लाए हैं दरवाजा का जो जंग बैठ गया है उसमें हम ये मेटल क्या बोलते हैं जिसे प्राइमर, हाँ ये प्राइमर दोस्तों। और ये टेडी बियर माही बिटिया का इसे हम खरीदते समय भी दिखाए थे। और ये तीन चार चेंडू है ऐसे ही, ये बड़ा है ये छोटा हाँ, उसके बजने वाला है। हाँ ये बजने वाला इससे और छोटा है। और सामने जो दिख रहा है दोस्तों वो माही बिटिया का पूरा रेसिपी सामान है, वो चाय किचन वाला वो चाय बनाने का केटली है और इसमें सब दोस्तों नाश्ता खाने का प्लेट। और इधर जो रखा हुआ है दोस्तों ये है गैस सिलेंडर, अभी तो फुल है खाली होगा तो हम इसमें भरवा देंगे। ये और ये दोस्तों सब्जी लाने का माही बिटिया का टोकरी है और ये है गैस जो चूल्हा, ये देखिए। और ये दोस्तों कढ़ाई है, माही बिटिया इसमें खेलेगी साग सब्जी क्या क्या बनाएगी। और उधर दोस्तों ये देखिए वो गाड़ी चालू कीजिए जी। हाँ जाओ लेके आना जल्दी लाओ।
और इस तरह से दोस्तों उसे पीछे का चक्का को घुमाने से वो भागती है और माहिरी अभी चला रही है। अरे धीरे धीरे, ये म्यूजिक सिस्टम है और अभी माही बिटिया दबा के दिखाएगी बजा के। चलिए दबाइए इसको, इसको दबाइए। ये जो कौन सा आवाज आता है, दबाओ। सिंबल है माही बिटिया का, तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रह गाइस। अभी कुछ दूसरा बजाएगी, देखिए। जी जी जी, हाँ चलिए बजाइए। और माही बिटिया अभी आर्गन है वो म्यूजिक केसियो छोटा वाला बजा रही है। हाँ। और उसमें हर एक जानवर का, पंछी का, बच्चों का अलग अलग आवाज है। इसमें वो बकरी का भी आवाज आ रहा है, मेंढक का आवाज आएगा। जी इसको बजाओ, केसियो को बजाओ, इसको बजाओ। इसमें लाइट सिस्टम है, काफी अच्छा दिखता है रात के समय में। हाँ। और ये देखिए गाइस, हम माही बिटिया के लिए हमेशा पकड़ती है डंडा को और जमीन में से ऐसे करती है ना, तो ऐसे ले दिए हैं। इससे अपने मन पसंद का कुछ भी बनाएगी, ऐसे बना के खेलेगी तो क्या है कि उसका मन का तेज भी होएगा। यार ये डिजिटल बोर्ड है, उसको बटन दबा देने से वो अपने आप मिट जाता है। अभी उसमें और लिख सकती है। हाँ, वो और भी दिमाग चलाएगी तो ऐसे ऐसे खेलेगी ना बार बार से, तो सीख जाएगी। जी जी हाँ हाँ। और ये साइकिल को दोस्तों हम भी बहुत पसंद किए और इसमें क्या क्या फीचर है इसे हम दिखाते हैं। ये देखिए मस्त छोटा सा डिक्की है, ये भी इधर उधर घूमता है और इसके सिर पे ना ये म्यूजिक बटन है ये, और सामने लाइट भी जलता है। हाँ, और ये सामने जब माही बिटिया का पैर पहुंचेगा तो दोस्तों ये अपने से खुद से चलाएगी, लेकिन अभी तो हम इसी से घुमाएंगे और यहाँ पर पैर रखेगी माही बिटिया। और ये देखिए ये हैंडल है, जिधर घुमाएंगे उधर वो भी घूमेगा। और इसमें ये खासियत है दोस्तों, बड़े गाड़ियों की तरह इसमें दे दिया है सीट कवर, माही बिटिया नहीं गिरेगी ऐसे। तो काफी हमें ये पसंद आया और माही बिटिया को भी, और हम एक बार चला के भी दिखा देते हैं। चलिए म्यूजिक को बजाइए, अच्छा से पकड़िए। हाँ, इस तरह से हम पूरा फर्श में इसे घुमा सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा है माही बिटिया, सुबह से खेल रही है आज, सीट बेल्ट भी लग गया है अच्छे से। तो दोस्तों आज हम बताते हैं, एक दिन ऐसा हुआ उस दिन को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मम्मी पापा होने के नाते अपने संतान, अपने बच्चा को कौन स्नेहा प्यार नहीं करते हैं। और बच्चे का स्वभाव ही यही है कि कोई दूसरा बच्चे के पास कोई खाने का चीज़ हो या खेलने का चीज़ हो तो उसे क्या है, मम्मी पापा को मांगने के लिए बोलते हैं और रोते हैं नहीं देने से। तो ऐसा ही एक दिन क्या हुआ दोस्तों, माही बिटिया को सुबह सुबह उसकी मम्मी नहला धुआ के आंगनबाड़ी ले जा रही थी और गांव से गुजरते हुए दोस्तों एक पड़ोसी बच्चा ऐसे खेल रहा था, गाड़ी पुराना, एकदम पुराना से पुराना था। और माही बिटिया फर्स्ट टाइम देखी और दिल लगा बैठी कि वो गाड़ी को मांगने के लिए उसके मम्मी को बोल रही थी। हाँ। तो वो बच्चे दोस्तों थोड़ा देर के लिए भी खेलने नहीं दिया और कहीं ना कहीं दोस्तों हम देखे और माही बिटिया रो रही थी ना, तो दिल से कहीं ना कहीं दोस्तों हम अंदर से अंदर तो आंखों में ही आंसू आ गया था उस दिन भी और आज भी। आज भी एक खुशी का आंसू है लेकिन उस दिन दुख का आंसू था। तो ये क्या है दोस्तों, मम्मी पापा का ये फर्ज है जो बच्चे को अच्छा रोटी कपड़ा, उनके खेलने के लिए खिलौना, बचपना जो रहता है ना दोस्तों वो कुछ ही लम्हों का है, वो फिर गुजर जाता है। फिर माही बिटिया भी 11-12 साल या 15-16 साल के बाद ये सब खेलेगी नहीं, उसका एक लिमिट समय है, उसी समय में मिलेगी तो वो क्या है बहुत खुश हो जाएगी। तो दिन को हम नहीं भूलेंगे दोस्तों, अंदर से अंदर हमें ऐसा लगा कि आज हमारे परिस्थिति और हालात ऐसा है जो एक हमारे बेटी उसके लिए इस प्रकार से हम खिलौना दे नहीं पा रहे। तो ये हम पहले भी दोस्तों वीडियो के शुरुआती में हम बताए थे और मत रहो जी, और रेशमा जी का आंसू और हमें भी दोस्तों क्या कहे हम दिल से। हाँ। वो पिछली जिंदगी को याद करते हैं ना कहीं हम बयां नहीं कर सकते हैं। खाने के लिए तो हमें दो वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं होते थे दोस्तों, तो खिलौना के लिए कहाँ से होता हमारे पास पैसे, इसीलिए वो पल को याद करते हैं तो बहुत दुख होता है बहुत। खेलो बेटा खेलो काफी हाँ नहीं रोऊंगी अब भी से नहीं रोऊंगी बेटा
आपके लिए इतना सारा खिलौना हो गया, नहीं रोगे। हाँ, और आज माही बिटिया को ना देखने भी नहीं पड़ रहा है, वो सुबह सूट कर इसी में मगन हो गए रही खेलना और खेलना। तो हम पहले भी बताए थे वीडियो शुरुआत के उस समय कि ये सब हम इतना ज्यादा जो खिलौना दिए हैं, टॉय दिए हैं, साइकिल दिए हैं, बहुत सारा, ये सभी हम अपने से नहीं खरीदे हैं, हमारे पास तो इतना खरीदने के लिए नहीं है। और ये जो अभी हम बैठे हैं और ये इतना बड़ा घर है, ये तो पहले भी हम बताए हैं, लेकिन आप लोगों का दोस्तों कमेंट आ रहा है, इसे भी हम पूरा डिटेल से हम नहीं बताए, इसे भी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये सारा इतना सारा माही बिटिया का टॉय है ना, और माही बिटिया का 10 से 12 जोड़ी कपड़ा है, अभी भी ये पहनी है, देखिए नाच रही है, बहुत सारा कपड़ा है। ये सब कपड़ा भी ये दोस्तों हाँ अमेरिका से यानी कि विदेश से माही बिटिया के लिए और हमारे लिए दोस्तों स्पेशल दिए हैं, और आज तक हम दोस्तों शेयर नहीं किए। और ये देखिए दोस्तों हम आज फोटो लगा दे रहे हैं, यही परिवार है, और इन लोग काफ़ी हृदय से और मन से काफ़ी नेचर स्वभाव के हैं। तो हम तो दुआ करते हैं, आप लोग भी दोस्तों दुआ कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो गरीब है, दीन है, वास्तव में जिसको ज़रूरत है, उन लोगों को इन्होंने दोस्तों हमें ही नहीं कई लोगों को इन लोग सहयोग इसी तरह हमें जो किए हैं ऐसे किए हैं। तो हम दोस्तों हृदय से काफ़ी आभारी हैं, हाथ जोड़कर आंटी और अंकल जी के लिए हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आप जो हमारे जो दर्शक है, हमारे परिवार है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों का देन है, आप लोगों का आशीर्वाद है। तो आप सभी के भी दोस्तों हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम काफ़ी हृदय से खुश हैं, क्योंकि दोस्तों जो अपने बच्चे खुश रहते हैं ना, तो वो खुशी होने का ही और नहीं है, माता पिता अपने से ही खुश हो जाते हैं। जितना भी दोस्तों संसार पर जो परिवार हैं, जो उनके बाल बच्चे हैं, उन लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अपने बाल बच्चा हमेशा खुश रहे। तो माही बिटिया का आज खुशी को हम देखे और उसकी खुशी में ही दोस्तों हमारी खुशी है, तो हम भी आज बहुत खुश हैं। अब कभी कभी तो हमें लगता है दोस्तों भगवान ने हमारे लिए अंकल आंटी को एक फरिश्ते की तरह भेज दिए हैं, क्योंकि इतना दिन से वो हमारे साथ जुड़े हैं, वाकई में उनका नेचर बहुत अच्छा है दोस्तों। जी जी जी। तो दोस्तों अभी तो हमारा घर का ही देखिए नीचे वाला ढलाई हो गया है 3 रूम का, और हम देखेंगे अगला वीडियो में इस घर के बारे में कितना खर्च आया, और ये घर के बारे में बहुत सारा सवाल और जवाब आप लोगों का कमेंट आया है, तो एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, और सभी वीडियो को Q&A की तरह हम बनाएंगे, और आप सभी लोगों का दोस्तों एक बाय एक हम सवालों का जवाब हम देंगे। तो इसमें कितना खर्च आया, और ये हमें घर बनाने वाले कौन है, किसने बना दिया, क्या अभी जो हमें बहुत सारे लोग ने तो दिए हैं, एक या दो भी हो लेकिन हमारे लिए बहुत हैं, जैसे कि बैल खरीद दिए, ये घर बन गया, और माही बिटिया का वो टॉय और वो साइकिल हमें खरीद दिए, हमें कपड़ा खरीद दिए, किचन के लिए वो जो पहले हम कुआं वाले भैया लोग आए थे तो बर्तन खरीद दिए, और ये सोलर प्लेट वाला छोटा टारा पहले सबसे, तो इस तरह बहुत सारे है दोस्तों है। तो कंफ्यूज रहते हैं गिफ्ट दिए दिए कौन दिए कौन नहीं दिए, तो ये स्पेशल है ये गिफ्ट वाला जो हम बताइए हैं। अब घर के बारे में फिर से हम बताएंगे। तो आज का दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आज के वीडियो का हम यही तक रखते हैं। तो दोस्तों जिस तरह आप लोग हमेशा वीडियो को आशीर्वाद बनाए रखते हैं, उसी तरह इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन हौसला मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए माही बिटिया पहले ये नाश्ता लाइए, उसको खाइए। हाँ, ये देखिए दोस्तों नया प्लेट में माही बिटिया नाश्ता लेकर आ गई है। फेंक दीजिए, चलिए बाय बाय बोल दीजिए, बाय बाय बोल दीजिए, बाय बाय।